आवास गृह निर्माण को नहीं एबे जिल्ला रे संपूर्ण भाव रे अव्यवस्था लागि रहितो आर मध्य चर्चा हेउची जे कि जति कि टार्गेट रहउची सेति कि गृह निर्माण हेइ पर नथ होबे एबे जिल्ला प्रशासन तो आरंभ करी ब्लॉक प्रशासन अधिकारी कर मुंड बिंधार कारण पालटची। अपर पक्ष रे लोके माने अनेक अहेतुक विलंब हेतु मध्य टार्गेट फिलअप हो पारने जहाँ को नहीं कि जिला प्रकल्प निर्देशक आज ब्रह्मगिरी अंचल रे लोक मान भेटी लोक मान सचेतन करने सहित निर्देश देते तुरंत काम सर सहित जहाँ भी टार्गेट रही ब्लक कि भाव में तुरंत ता फुलफिल करा गुरुत्व दि जाए सीधा सख आलोचना करवा समस्त जिला प्रकल्प निर्देशक अच्छा से जानवाक चाहिए बर्तमान सुधा पूरी जिले में पाखापाखि जी टार्गेट रही है क्योंकि आर्थिक वर्ष में कैसे टार्गेट थी और कैसे आचिव करतोटी कम होना संपूर्ण भाव विश्व स्थान नहीं बुझे आमर वर्तमान आवास आवास योजना रे तीनोटी प्रकार रही गोटे हूँ पीएमएवाई जि गोटे बीपी जिओ गोटे एनएसपी जिओआई से आमर 2014-15, 15-16 आरंभ कर 2020-21 पर्यंत टोटाल आम टार्गेट रही 14,579 सेथरु आमे 6,000 गृह बर्तमान आम कम्प्लीट कर सारु आमर स्टेट आमर एटा रिव्यू होउची प्रत्येक शुक्रवार दिन स्टेट रे रिव्यू करछन्ते आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिव्यू करछन्ते सेथिरे आमे मध्ये आमे वीडियो मानको आमे संपूर्ण भाव निर्देश देचु जो घर गुड़ाक इनकम्प्लीट होकरी दीर्घ दिन धरिकी पड़ रही कम्प्लीट शो करना तुरंत शो करेंगे एवं यही आर्थिक वर्ष रे आमर आउ गोटे मास रहिला आम पाखे ये आर्थिक वर्ष रे किभली अधिक परिमाण घर से माने आमर कम्प्लीशन देखेबे अधिक परिमाण घर केमिति संपूर्ण देखेबे आमे सब सब वीडियो मानको आमे निर्देश देचु आउ यथा शीघ्र ता उपरे कार्यनुष्ठान ग्रहण करिया निमन्त मध्ये आमे तांको मध्ये निर्देश देतु किभली अधिक घर से माने शो करिबे आमको अधिक घर संपूर्ण देखेबे से दिगरे आमे निश्चित भाव पदक नौचु। आज मु ब्रह्मगिरी अंचल रे बुलिकिरे देखिली लोक माने हाँ मझीरे जो कोविड परिस्थिति पड़ा से लोक मानकर आर्थिक अवस्था से भल नाला से निम्ते घर कम गृह संपूर्ण करने दिगरे से टे पछुआ थे आबुची बर्तमान सिचुएसन टी इम्प्रुव करतमान पिस्थित सबू लोक मैंने आर्थिक पिस्थित उन्नति करतमान पिस्थित आम निश्चित भाव में अधिक घर संपूर्ण कर देखा जिला टोटाली 11 ब्लक को लेकिन पूरी जिला सर के ब्लक सर सर्वाधिक मानते कम कह कम घर निर्माण होधिक घर बर्तमान सुधा बाकी रही बर्तमान आमर ब्रह्मगिरी अच्छी पूरी सदर ब्लक अच्छी कृष्ण प्रसाद ब्लक अच्छी सत्यवादी ब्लक अच्छी यही ब्लक मानक प्राय घर अधिक आमर असंपूर्ण होकर पड़ रही तथापि आमर जहाँ आम डेली टार्गेट आम फिक्स करुच्छू सब वीडियो मानक डेली टार्गेट अनुसार कौचु से डेली टार्गेट अचिव करने से बर्तमान वी आर प्रोग्रेसिंग आम बर्तमान संपूर्ण जो घर संपूर्ण कम गुड़ाक आगे चलती आगामी दिन में निश्चित भाव में अधिक घर संपूर्ण देखेबार व्यवस्था करुच्छू। सर जहाँ ये जो घर निर्माण अहेतुक विलंब हो पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत होती कि सर ये किए विभाग अधिकारी मान क्यों के दायित्व भूली जाऊँच ना ये लोक मैंने सचेतन नुहत घर निर्माण मुझे लोक मान सचेतन करने निम्ते आम सब ब्लक माइकिंग माइक मध्यम लोक मध्य बुझेचु आम ट्याग अफिसर मानू सचेतन करूँ विभिन्न प्रकार कर्मशाला कर पूर्व दिन में आम सब सरपंच मानकशाला करूँ से किभली लोक मानू जा बुझेबे लोक मानकर कोविड परिस्थितर टे आर्थिक अवस्था भल नाला बर्तमान लोक मैंने सचेतन है निज घर टाक संपूर्ण कले आम फोर्थ इनस्टलमेंट जो आउ गोटे लास्ट इनस्टलमेंट रही घर पाउणा पाइबा निमें आम यथाशीघ्र दबार व्यवस्था करूँ लोक मानू आम यहाँ सचेतन करूँ सबू ट्याग अफिसर को निर्देश देचु से सबूर पाखे समस्त असंपूर्ण घर को किभली संपूर्ण कर देखेबे से समस्त घर को जाकर बुलिक सबू रिपोर्ट देवे डेली रिपोर्ट देवे वीडियो को वीडियो को देलापर वीडियो तार कलेक्टिव रिपोर्ट पाइला पर आमको निश्चित भाव में टार्गेट अचीवमेंट से करेंगे आशा प्रकाश सर जो हिताधिकारी कम कर विलंब कर निर्देश को अवमानना कर कार्यानुषान कौन हो पारे हिताधिकारी जो हिताधिकारी मैंने दीर्घ वर्ष धरिकी घर को संपूर्ण करना असंपूर्ण कर पकईकि रखिंट से हिताधिकारी मानक आम तागिद करूँ आम नाली नोटिस दौचु ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी आक्ट एक्शन नापी मुझे वीडियो मानक निर्देश देमें नोटिस मध्यम सतर्कता करई दौचु जे यथाशीघ्र से घर को संपूर्ण करूँ संपूर्ण कले ही आम
ତାଙ୍କର ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ଯେଉଁମାନେ 6 ମାସରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି 10,000 ଲେଖାଏଁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଆମକୁ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପିଆର୍ଏନ୍ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ପାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଆବାସ କେବେ ନିର୍ମାଣ ସରୁଛି ଅଥବା କେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।